दोस्तों कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज समय पर न किया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपेंडिसाइट्स की। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। खास तौर पर महिलाएं अगर सही समय पर इसका इलाज ना करवाएं तो ये उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। इसे पहचानना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण दूसरी बीमारियों से काफ़ी मिलते हैं। इससे महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें अपेंडिसाइट्स है। ऐसे में गलत उपचार के कारण ये रोग काफ़ी बढ़ जाता है जिसका असर इलाज पर पड़ता है। वहीं अगर एक शोध की मानी जाए तो सिर्फ एक तिहाई महिलाएं ही ऐसी होती हैं जिन्हें शुरुआती चरण में इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है। हालांकि इस आधुनिक युग में कई मशीनें ऐसी हैं जिससे अपेंडिक्स का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हम आपको कुछ ऐसे स्टिक लक्षण के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपेंडिसाइट्स की पहचान कर पाएंगे। नंबर एक, तेज बुखार। अपेंडिसाइट्स के रोग में हल्का बुखार आना भी एक लक्षण है। आमतौर पर यह बुखार लगभग 100 डिग्री फारेनहाइट का होता है। अगर आपको बुखार के साथ साथ कंपकपी भी हो रही है तो ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लें। नंबर दो, भूख ना लगना। भूख ना लगना भी अपेंडिसाइट्स के रोग का एक लक्षण है। इस बीमारी की शुरुआती दौर में भूख नहीं लगती और उल्टी भी होने लगती है। इसके अलावा वो कब्ज के शिकार भी हो सकती है, इसलिए पेट दर्द के साथ साथ अगर मिचली आए और भूख ना लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नंबर तीन, पेट में दर्द। अपेंडिसाइट्स में पेट दर्द होना सबसे प्रमुख लक्षण है। अगर पेट के दाहिनी तरफ दर्द होता है तो इस वाले हिस्से में तेज दर्द होगा और समझ लीजिएगी अपेंडिसाइट्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये दर्द पेट में मौजूद अपेंडिक्स के अतिरिक्त दबाव के कारण होता है और शुरुआत में ये दर्द ठीक नाभि के पास वाले हिस्से से शुरू होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।